गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित ब्लॉग। सो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसकी मुझे काफ़ी टाइम से जो है कमेंट्स आ रहे थे कि आप किस तरीके से जो है बेबी की मसाज करते हो एंड किस टेक्निक्स के साथ किस ट्रिक्स के साथ आप जो है बेबी की मसाज करते हो। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो है एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। सो यस गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाउ टू मसाज न्यू बॉर्न बेबी। गाइस ये मसाज आप इजीली आराम से कर सकते हो 1 साल के एंड 1.5 साल तक के बच्चे के लिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है 6 मंथ तक के बच्चे के लिए करने के लिए गाइस। सो मैंने सोचा कि चलिए फिर ज़्यादा डिले नहीं करते हैं एंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी डॉटर की जो है मसाज करती हूँ। सो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ऑयल, मैं ले रही हूँ हिमालय का बेबी मसाज ऑयल जो कि ऑलिव ऑयल से बना। सो गाइस आप किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं जो भी आपके बेबी को प्रेफरेबल हो। मैं समर्स में करती थी कोकोनट से, अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया तो मैं इसलिए ऑलिव ऑयल से कर रही हूँ। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोरहेड से एंड हेड से। तो इस तरीके से आप जो है सर्कुलर मोशन में जो है हेड पे मसाज करोगे गाइस एंड अच्छे से जो है आप आईज में मसाज करोगे जिससे कि जो टीयर डक्ट की प्रॉब्लम होती है बेबीज़ को वो सॉल्व हो जाएगी। इससे क्या होता है कि आईज पे आसपास करने से ना जो भी गंदा पानी होता है आईज के आसपास वो सारा बाहर आ जाता है, टीयर डक्ट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इस तरीके से आप फेस पे बिल्कुल हल्के हाथ से जो है गाइज मसाज करोगे एंड आप देख सकते हो मैं किस तरीके से जो आईज के आसपास एंड नोज के आसपास कर रही हूँ। इससे बेबी की नोज की एक अच्छी शेप भी बनती है गाइज। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो कहते थे कि बच्चे की इस टाइम आप जो भी शेप बनाना चाहोगे वो शेप जो है डेवलप हो जाएगी। तो मैं भी उन्हीं की बात मानकर एंड सुनकर जो है उसी तरीके से जो है कर रही हूँ। एंड गाइज ये सीरियसली मेरे ये मतलब मैंने देखा है काफी लोगों को करते हुए एंड मेरी मम्मी भी इसी तरीके से हमें बताते थे कि हम इसी मैं इसी तरीके से जो करती थी। तो बस हम बड़े लोगों की बातें सुन सुनकर ही हम भी देखो बड़े होते हैं तो उसी उनकी बातें मानना ज़रूरी है। सो इसी तरीके से अब मैं जो है टमी की जो है मसाज करूँगी बिल्कुल हल्के हैंड से गाइज, बिल्कुल हल्के हाथों से जो आपको मसाज करनी है क्योंकि बच्चा उसी में इंजॉय करेगा। अदरवाइज आप बहुत हार्ड करोगे तो बच्चा जो है रोने लगेगा। तो इसी तरीके से जो है देखो आप देख सकते हो मैं कैसे सर्कुलर मोशन में जो है टमी की जो है मसाज कर रही हूँ। इससे टम्मी जो है काफी बच्चों को जो एक होता है ना रिलैक्स होता है इस तरीके से एंड शोल्डर के आसपास मैं मसाज कर रही हूँ। आप डायरेक्शंस देख सकते हो गाइज, मेरा मेन मकसद यही है आपको ये वीडियो पहुंचाने का कि आप डायरेक्शंस देख देख के जो है मसाज करें बेबी की एंड आर्म पिट्स पे एंड जो है गर्दन के आसपास गाइज आप इन जगहों पे एंड ईयर के पीछे आप इन जगहों पे मसाज करना बिल्कुल ना भूले गाइज क्योंकि क्या होता है छोटे बच्चे जो 3 महीने से पहले के बच्चे होते हैं उनकी स्किन जो है चिपक जाती है एंड जिससे रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आप हैंड्स पे मसाज करोगे गाइज। कभी भी जो है बेबी की मसाज मतलब टॉप से एंड बॉटम पे ही करनी होती है, बॉटम से टॉप पे नहीं करनी है। सो इस तरीके से आप जो है आर्मपिट्स पे ऑयल लगाकर मसाज करना गाइज। आप बच्चों की जो है हैंड्स पे इस तरीके से जो है मसाज करोगे एंड देख सकते हो गाइज कि इसको बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। हाँ बीच में ये रोने लगी थी थोड़ा सा तो इसको मैंने थोड़ा चुप करवाया देन मैंने दोबारा कंटिन्यू करी मसाज, पर इसको अब काफ़ी इंजॉयमेंट होती है मसाज करने से ना गाइज। एंड हमेशा आप जो है ना बेबी का टमी फुल करके ही मसाज करना, उसको बर्ब दिलाकर एंड उसके बाद ही जो है आप मसाज को कंटिन्यू करना, नहीं तो बच्चे जो है खाली पेट उनका होगा एंड मसाज आप ठीक से कर नहीं पाओगे एंड बच्चे कंटिन्यू में जो है रोते रहेंगे एंड बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप सर्कुलर मोशन में जो है पूरी बॉडी की मसाज करोगे गाइज। आप देख सकते हो मेरे डायरेक्शंस में कैसे यूज़ कर रही हूँ अपने फिंगर्स की टिप्स को एंड देखिए मैंने किस तरीके से जो है ईयर के पीछे जो है ऑयल लगाया है एंड फेस पे देखो अब उसने रोना स्टार्ट कर दिया है गाइज। एंड इस तरीके से जो है आप बेबी की जो है हैंड की एक्सरसाइज ज़रूर करवाना, इससे बेबी के हैंड्स जो है कहते हैं कि स्ट्रांग भी होते हैं प्लस जो है बच्चों को ना एक अच्छा फील भी होता है। एक्चुअली बीच में इसलिए रोने लग गई थी क्योंकि मैं इससे बात नहीं कर रही थी गाइज एंड बच्चे के साथ आप जब भी उसकी मालिश करो ना तो उससे बातें करते करते ही करना तो उनको काफ़ी अच्छा लगे एंड मैं यूजुअली जो
की मालिश विदाउट कुछ भी, मतलब लंगोट वगैरह या अंडरवे वगैरह नहीं पहनाती हूँ, ना डायपर पहनाती हूँ, क्योंकि गाइज ये इसलिए वीडियो में पहनाया है जिससे कि ये एक्चुअली क्या होता है कि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, तो इस वजह से जो है अंडरवे पहनाकर ही मैं मालिश कर रही हूँ। सो बारी आ गई है लेग्स की गाइज, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से जो है इसके नीस की मालिश कर रही हूँ, थाइस की मालिश कर रही हूँ, इससे बेबी को काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड सर्कुलर मोशन में ही मालिश करनी है गाइज, एंड टॉप से बॉटम की तरफ ही करनी है, ऊपर से नीचे तक ले जाते हुए। एंड हमेशा ना अपनी हथेली का यूज करें, बिल्कुल हल्की हल्की हथेली यूज करें, उससे क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा एंड आपको भी पता रहेगा कि कितना प्रेशर लग रहा है, ना ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा, एंड बेबी को अच्छा लगेगा काफी। एंड बेबी की जो है बैक साइड पे भी ऑयल जरूर लगाएं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ बेबीज के फोल्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हो थाइस पे, आर्मपिट्स पे, नेक पे, ईयर्स के पीछे, यहाँ पर ऑयल जरूर लगाएं गाइज, मालिश जरूर करें यहाँ पे, अदरवाइज आपको देखना काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बेबीज को ना रैशेज की प्रॉब्लम हो जाती है इन जगहों पे, क्योंकि स्वेटिंग होती है एंड फिर वो रैशेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से जरूर करें। एंड नीस की इस तरीके सर्कुलर मोशन में जो है बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हुए जो है मालिश करें गाइज। एंड बेबी आप देख सकते हो गाइज, ये आप लोगों ने जो है देखा होगा कि इसी तरीके से जो है बेबी की मालिश करी जाती है। एंड देखो सबके टेक्निक्स ट्रिक्स अलग होते हैं, समटाइम्स सिमिलर भी होते हैं, पर देखिए हर किसी के कुछ ना कुछ जो है 21-22 जो है परसेंट चीज़ें अलग होती ही होती है। तो आप इस तरीके से जो है बेबी की एक्सरसाइज करें लेग्स की, इससे बेबी की जो भी गैस की प्रॉब्लम होगी वो रिलीज होगी, बेबी को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड लेग्स को भी स्ट्रांग बनाती है ऐसी एक्सरसाइज, एंड जो मूवमेंट है वो अच्छी होती है लेग्स की एंड हैंड्स की। सो आप इस तरीके से जो है मालिश कर सकते हो, इस तरीके से जो है पूरी लेग्स अप करके एंड ऊपर नीचे करोगे, तो इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा जो है एक रिलैक्स फील होता है। बट गाइज अभी ये एक्चुअली इसलिए रो रही है क्योंकि इसको ना वही बात मैंने आपको बताई ना कि मैं इसे जब जब बातें बंद कर देती हूँ तो ये रोने लग जाती है। सो अब बारी आ गई है बैक की गाइज, तो बैक पे आप ऊपर से नीचे ले जाते हुए इस तरीके से जो है मालिश करोगे एंड सर्कुलर मोशन में करोगे। एंड अब इसको बैक में, इसको एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है, इसको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। सो इस तरीके से आप नेक पे ऑयल लगाओगे, ईयर के पीछे लगाओगे, एंड इसके बाद जो है इस तरीके से जो है सर्कुलर मोशन में आप मालिश करोगे। सो अब इसको काफ़ी रिलैक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको बैक में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। सो आप ऑयल जो है जितना इस टाइम पे ऑयल अपने बेबी को लगा दोगे ना गाइस, जितना बच्चे के शरीर पे ऑयल रहेगा उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा, इससे इनकी स्किन जो है ड्राई नहीं होगी, काफ़ी अच्छा एक मॉइस्चराइज बना रहेगा बॉडी पे। एंड इस तरीके से जो है अपने बट्स पे जो है इनके हिप्स पे जो है करना है मसाज सर्कुलर मोशन में, इससे इनकी काफ़ी अच्छी एक ना शेप आ जाती है गाइस, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइम जो भी शेप आप दोगे ना वो बेबी की शेप जो है बन जाएगी। एंड इस तरीके से आपने शोल्डर को नहीं भूलना है, शोल्डर पे जरूर मालिश करनी है। एंड अब आ गई है हेयर की, तो स्कैल्प पे जरूर करें जिससे कि वो ड्राई ना रहे। सो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं किस तरीके से अपनी बेबी की जो है मसाज करती हूँ। आई होप कि जो भी न्यू मॉम्स होंगी, जो भी फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए रहेगी गाइज क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको अक्सर नहीं पता होता है कि बेबी को किस तरीके से जो है मसाज की जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइज। अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिससे कि उन लोगों की भी काफ़ी हेल्प हो सके। एंड जिसने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ जाके चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाके सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको हर मेरे एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को एंड मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।